नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। वास्तु शास्त्र में वैसे तो घर से संबंधित वास्तु के नियमों के बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन इसके साथ ही इसमें इस बात का भी जानकारी दी गई है कि घर तक सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए आप अपने आसपास क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। वास्तु शास्त्र में कई ऐसे उपायों की जानकारी मिलती है जो घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करती है। आजकल इंडोर प्लांट काफी चलन में है। लोग अपने घर या ऑफिस में इंडोर प्लांट लगाना काफी पसंद करते हैं। इससे घर की सुंदरता तो बढ़ती ही है, साथ में सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। वास्तु शास्त्र में भी कुछ ऐसे पौधों का जिक्र मिलता है जिनको घर के अंदर लगाने से खुशहाली व सकारात्मक ऊर्जा आती है। साथ ही वास्तु में कुछ ऐसे पौधों के बारे में भी बताया गया है जिसे घर में लगाने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। आपने हर घर में मनी प्लांट देखा होगा, लेकिन वास्तु की माने तो प्रासुकल्ला का पौधा मनी प्लांट से अधिक तेजी से अपना सकारात्मक प्रभाव दिखाता है। आइए जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार इस पौधे को किस दिशा में लगाना चाहिए और पौधे के क्या लाभ है। वास्तु के अनुसार कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के साथ साथ बेहतर आर्थिक स्थिति के लिए भी सहायक होते हैं। घर में मनी प्लांट लगाने से सुख समृद्धि आती है। ठीक वैसे ही क्रासुला के पौधे से घर में कार्यस्थल में लगाने से धन का आगमन बढ़ता है। क्रासुला को लकी प्लांट, जेड प्लांट या गुड लक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। वास्तु के अतिरिक्त फेंगशुई में भी इसका महत्व बताया गया है। विशेष कहा जाता है कि इस पौधे को घर में लगाने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती रहती है। यदि आप ऑफिस में तनाव मुक्त रहना चाहते हैं और साथ ही आपको पदोन्नति की भी इच्छा है, तो आपको कार्यस्थल में दक्षिण पश्चिम दिशा में क्रासुला का पौधा रखना चाहिए। इस दिशा में क्रासुला रखने से आपको अपने जीवन में सभी कार्यों में सफलता मिलने लगती है। वास्तु के अनुसार क्रासुले के पौधे को धन का पौधा माना जाता है। मान्यता है कि इसे घर में लगाने से धन संबंधी सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, ये आपके आसपास आय के नए साधन भी आ जाते हैं। क्रासुले के पौधे को घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव तो बनता ही है, लेकिन इसे सही दिशा में लगाना बेहद आवश्यक होता है। इसे आप घर के मुख्य द्वार के दाईं तरफ लगा सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन धान्य की आवाग बनी रहती है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।